किसान आंदोलन की अब बात करेंगे, जिसका आज 21वां दिन है। आज किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार सुरक्षा सख्त की जा रही है, खासतौर पर सिंघू बॉर्डर पर। आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को संशोधन प्रस्ताव का जवाब भी भेज दिया है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साथ ही कहा कि वो आंदोलन को बदनाम न करे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में किसानों के धरने पर सुनवाई भी है। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। दिखाएं कुमार, इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर हूं मैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहां तक कि जो सेना के रिटायर्ड अफसर हैं वो भी आए हैं यहाँ पर समर्थन करने के लिए किसानों का तिरंगे के साथ। इस बीच में जो लिखित तौर पर बात गई है किसानों की तरफ से, उस पर भी हम किसानों से बात करते हैं। आप लोगों ने लिखित भेजा है कि अब कोई भी बिना कानून के बिना हटाए बिना हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, सरकार को हमारी दो टूक कि अपने तीनों अध्यादेश वापस लें, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। तो दो टूक है, दो टूक का मतलब क्या समझा जाए? हम अध्यादेश तीनों वापस लेने के बाद ही आज दिल्ली से वापस लौटेंगे, पहले नहीं लौटेंगे। पहले नहीं लौटेंगे और तो मतलब यहाँ पर टिके रहना है इसी तरीके से चलेंगे। इतने ये वापस ना होंगे, इतने यही हैं, हम तो यही बैठे हैं, यही टिके हैं, यही बैठे हैं, यही टिके हैं, वापस नहीं होंगे। किसानों को समर्थन मिल रहा है अलग अलग तबकों से अभी। लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। जितेंद्र, जिन लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब बॉर्डर खुल गया है, दोबारा उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जाम जैसी स्थिति वहां पर है। बिल्कुल नेहा, 24 घंटे में दूसरी बार जो यहाँ किसान नेता हैं उन लोगों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को इस वक्त बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टर और अपनी गाड़ियां लगा करके दिल्ली की तरफ जो रास्ता नोएडा से जाता है वहाँ उसको बंद कर दिया है और यहाँ ये लोग धरने में इस वक्त सारे बैठे हुए हैं। स्थिति साफ है कि पिछले 24 घंटे में दूसरी बार इस तरीके से रास्ता बंद किया गया है यहाँ पर, और जो दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं उन लोगों के लिए इस समय समस्याएं हो रही हैं। किसानों की मांग यही है कि उनके जो तीनों सरकार की तरफ से कानून लाए गए हैं इन कानून को वापस लिया जाना चाहिए। और ये लोग अब से थोड़ी देर पहले सरकार से ये कह रहे थे कि उनको जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है उनसे लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ आप देखिए, ये ट्रैक्टर लगा करके जो सामने दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते को पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। पुलिस ने भी अब बैरिकेडिंग लगा दी है कि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और आप देखिए कि इस तरीके की बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है। कल भी इन्होंने आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रास्ता पूरा बंद किया था, आज फिर दोबारा से अब से थोड़ी देर पहले इस रास्ते को बंद किया गया है। और वही इनकी मांगे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं इनको वापस किया जाना चाहिए, एमएसपी के लिए गारंटी दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। तो इस तरीके की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। रास्ता जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो नोएडा से आता है उस रास्ते को पूरा इन्होंने रोका हुआ है। अभी पुलिस ने एक डाइवर्जन दिया है, यानी कि जो लोग नोएडा की तरफ से आ रहे थे उनको दूसरे रास्ते से यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है कि जिससे कि ट्रैफिक जो है वो दूसरे रास्ते से यहाँ से। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि किसानों ने भी लिखित में अब सरकार के लिए जवाब तैयार किया है, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हम इंतजार में हैं किसानों की तरफ से कुछ आए। तो वो इस वक्त चिट्ठी जो किसानों ने तैयार की है उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। दरअसल किसानों ने ये साफ तौर पर कहा है कि आपसे प्राप्त किए प्रस्ताव और पत्र के संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं। किसान संगठनों ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक की और आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकार कर दिया है। यानी सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव भेजा था किसानों के पास उसे रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है किसानों ने। 5 दिसंबर 2020 को सरकार प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था, यानी जो लिखित प्रारूप गया है वो सारी बातें पहले ही मौखिक तौर पर हो चुकी हैं बैठक में। हम अपनी मूल बातें पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में आपको बता चुके हैं और इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।